खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। एसीबी की शिकायत सत्यापन में हुई चूक से आवास मंडल के अभियंता विजय कुमार को 35 दिन जेल में काटने पड़े। परिवादी ठेकेदार ने रिश्वत की डिमांड का जो ऑडियो दिया था वह एफएसएल जांच में फर्जी निकला। एफएसएल जांच में खुलासा हुआ कि आवाज अभियंता की नहीं किसी और की थी। इस पर एसीबी ने अपनी गलती स्वीकारते हुए मामले में एफआईआर पेश की है। एसीबी ने एफआईआर पेश करने से पहले मामले के परिवादी ठेकेदार डीवी सिंह के खिलाफ भी आदेश जारी किया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की ओर से एसीबी की सभी चौकी प्रभारियों को लिखा गया है कि देवी सिंह की ओर से मिलने वाली शिकायत पर सत्यापन अधिकारी डीजी या एडीजी से मंजूरी लेकर ही अग्रिम कार्रवाई करेंगे। संभवतः इस तरह का मामला यह पहला है। एसीबी की अभियंता विजय कुमार के खिलाफ मार्च 2021 में रिश्वत मामले की शिकायत ठेकेदार देवी सिंह ने की थी। आरोप लगाए थे कि 5.5 करोड़ के टेंडर की योग्यता में शामिल कराने के लिए रिश्वत मांगी गई है। ठेकेदार ने प्रताप नगर में बन रहे कोचिंग हब में इलेक्ट्रॉनिक कार्य संबंधी ठेका लेने के लिए उसमें फाइल लगाई थी, जबकि इसकी बिड 16 मार्च को खुल गई थी, जिसमें ठेकेदार का नाम शामिल नहीं था। शिकायत का सत्यापन एसीबी अधिकारी नीरज भारद्वाज की ओर से 17 मार्च को किया गया। ठेकेदार को अभियंता विजय कुमार के पास भेजा गया। लौटने पर ठेकेदार ने रिकॉर्डिंग दी और कहा कि 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई है। एसीबी ने रिकॉर्डिंग सुनी और उसे सही मानते हुए ट्रैप कार्रवाई की तैयारी की। 19 मार्च को 1 लाख रुपए रिश्वत लेने के आरोप में विजय कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। 1 लाख रुपए उस एक टेबल से बरामद किए गए जहां विजय कुमार कुछ अन्य अधिकारियों के साथ बैठे थे। विजय कुमार को न्यायिक हिरासत में भेजा गया, जिसकी 35 दिन बाद जमानत हुई। विजय कुमार पक्ष की ओर से एसीबी के उच्च अधिकारियों को गुनाह की ये सत्यापन के समय ठेकेदार उससे मिला ही नहीं। रिकॉर्डिंग में रिश्वत मांगने की जो आवाज है वह किसी और की है। इस पर एसीबी ने आवाज मिलाने के लिए रिकॉर्डिंग एफएसएल भेजी। इस रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि रिकॉर्डिंग में अभियंता विजय कुमार की आवाज नहीं है। यह भी सामने आया कि ठेकेदार की ओर से टेंडर में पेश अनुभव प्रमाण पत्र गलत था। इस पर जांच अधिकारी बहादुर सिंह की ओर से अदम वुक झूठ के तहत अंतिम रिपोर्ट अदालत में पेश की गई है। आरोपी पक्ष को भी सुना गया, जिसके बाद एफएसएल जांच का निर्णय लिया गया था।